हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक बनाने बता रही हूँ। इसके लिए हमने यहाँ पे टोस्ट लिया है, टोस्ट बोले रस्क बोले हमने यहाँ पे लिया है, 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, 1 पिंच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई, आप यहाँ पे फ्रेश अमूल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। कुछ हमने यहाँ पे डेकोरेट के लिए ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे कि हमने कुछ रोज पेटल्स, बादाम और पिस्ते को काट लिया है, और 1 कप शक्कर ली है, 500 ml फुल क्रीम दूध लिया है। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने केक को बनाने के लिए एक शुगर सिरप बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में हम 1 कप पानी डाल देंगे, 1/2 कप हम शक्कर डाल देंगे और इसे घुलने देंगे। ये खोलने लगा है तो हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं, ये 1 पिंच है, और फूड कलर, येलो फूड कलर हमने डाला है, आप चाहे तो केसर की कुछ पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। इसे हम घुलने देते हैं। हमें ये चाशनी को कड़ी नहीं बनानी, 1 तार या 2 तार नहीं करना है, बस थोड़ी सा शक्कर घुल जाए तो चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। शुगर घुल चुकी है अच्छे से, और शुगर घुलने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट और पका लिया है, तो ये चाशनी हमारी तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। तो अब हम इसकी क्रीम तैयार कर लेते हैं। क्रीम तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे दूध लेना है, तो हम दूध डाल देते हैं। दूध में हम उबाल आने देते हैं, दूध हमारा पकने लगा है अच्छे से उबाल आके, तो अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच शक्कर डाल देते हैं। मीठा आप अपने हिसाब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। की मलाई डाल देते हैं, 3 बड़े चम्मच हमने रूम टेम्परेचर वाला मिल्क लिया है, तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, और ये कॉर्नफ्लोर, इसे हम अच्छे से खोल लें। इसे इतने अच्छे से खोलें कि कोई भी लम्स न रहे। गैस का फ्लेम हमने स्लो कर दिया है, हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर को मिला लिया है, और हम इसे धीमे धीमे मिलाते हुए डालेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो हमने यहाँ पे जैसे कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच लिया है, तो आप 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। तो हम इसे डालते जाए और मिक्स करते जाए। ये हमारा क्रीम तैयार हो गया है, हम गैस बंद कर देते हैं। हमने कॉर्नफ्लोर और ये कस्टर्ड पाउडर डाल के 1 से 2 मिनट पका लिया है, ये देखिए दम गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं। हमें केक को सेट करने के लिए सबसे पहले इस टाइप के ट्रे ले ले आप, या तो आपके घर में जैसे भी कोई बड़ी प्लेट या बेकिंग ट्रे हो तो आप ले ले। तो हम इस टोस्ट को पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ पे 1 लेयर टोस्ट की बैठा दी है। अब हम यहाँ पे अपना ये जो शुगर सिरप है ये थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, इसे हम डाल देते हैं। ये हल्का सा गर्म है, अगर ठंडा हो जाए तो इसे गर्म कर ले। ये शुगर सिरप डालने के बाद अब हम ये कस्टर्ड पाउडर वाली क्रीम डाल देते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से फैला दो सब तरफ। एक लेयर हमने सेट कर दी, तब हम दूसरी भी कर लेते हैं। इसमें भी अच्छे से शुगर सिरप डाल दिया। बचा हुआ जो कस्टर्ड क्रीम है इसे भी हम डाल देते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं, अच्छे से फैला दे चारों तरफ से। हमने यहाँ कस्टर्ड क्रीम की लेयर अच्छे से फैला दी चारों तरफ, तो अब हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालेंगे, आपके पास ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इसे थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। आप अपने कोई भी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, केल या टूटी फूटी हो।
फ्रूट डाल दिया है, इसे हम 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए, और हमारा मिल्क केक तैयार हो जाएगा। फिर हमने मिल्क केक को फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था, अब हमने इसे निकाला है तो देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गया है, और हम इसे आपको काट कर भी दिखा रहे हैं। एकदम से सेट हो गया है, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट और बना है। ये देखिए, ये बहुत कम सामग्री से बन जाता है और बहुत आसानी से बन जाता है, और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो यकीन माने आप इसे एक बार जरूर बनाएं और बनाकर बताएं मुझे आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तो आप जरूर इसे ट्राई करें।